फिल्म की शुरुआत में हमें एक संदेश के जरिए बताया जाता है कि साल 1997 में खतरनाक वायरस की वजह से दुनिया भर के 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ लोग मारे गए और जितने भी इंसान इस वायरस से बच पाएंगे वो पृथ्वी की सतह पर रहना छोड़कर पृथ्वी के नीचे अंडरग्राउंड होकर रहने लगेंगे, जिससे दुनिया में एक बार फिर से जानवरों का राज होगा। इस संदेश के बाद हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ एक छोटा लड़का नेम जेम्स जो अपने माता पिता के साथ कहीं जाने वाला था वो एक आदमी को देखता है जिसे पुलिस वालों ने गोली मारकर खत्म कर दिया था। तभी उस आदमी की लाश के पास एक महिला आकर रोने लगती है जो सब देखकर जेम्स के दिमाग पर बुरा असर होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी को इस तरह मरते देखा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर भविष्य के साल 2035 की तरफ मुड़ जाती है जहाँ जेम्स अब बड़ा हो चुका है पर उसे अब भी वो एयरपोर्ट वाली घटना अपने सपने में नजर आती है। वहीं इस समय तक वो खतरनाक वायरस दुनिया भर की 99% आबादी को खत्म कर चुका है और जो भी इंसान बचे वो जेम्स की तरह अंडरग्राउंड होकर रहते, जिसके बाद जेम्स एक सूट पहनकर पृथ्वी के पर जाता है जहाँ वो एक कीड़े का सैंपल लेकर वापस से अंडरग्राउंड आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स एक कैदी है जिसे जेल में रखा गया है और साइंटिस्ट की एक टीम ने उसे पृथ्वी की सतह से कीड़े को लाने को कहा था। दरअसल साइंटिस्ट को अब तक उस वायरस का इलाज नहीं मिल पाया था लेकिन उन्होंने एक टाइम मशीन बना ली थी, इसलिए वो जेम्स से कहते हैं कि यदि तुम साल 1996 में जाकर इस वायरस को फैलने वाले शख्स के बारे में पता कर सको तो हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। अब हमें यहाँ तो नहीं बताया जाता कि आखिर जेम्स को किस बात के लिए जेल में डाला गया है, लेकिन इतना जरूर बताया जाता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है, यानी कि जेम्स किसी एक चीज को एक बार देख लेता है तो वो उसे जल्दी नहीं बोलता, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे पास में भेजने का फैसला किया था। वहीं उन्होंने किसी और साल के बजाय साल 1996 को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें साल 1996 के फिलाडेल्फिया शहर का एक वॉइस मेल मिला था जिसमें एक महिला बता रही थी कि वायरस को फैलने के पीछे आर्मी ऑफ द 12 मंकीज नाम के लोगों का हाथ है। फिर हम पास में साल 1990 के समय का फिलाडेल्फिया शहर देखते हैं जहाँ कैथरीन नाम की एक महिला जो एक साइकियाट्रिस्ट होती है उसे मेंटल हॉस्पिटल के लोग एक आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद को भविष्य से आया हुआ बता रहा था। इसलिए अब कैथरीन उस आदमी से मिलती है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही है, यानी कि वो साल 1996 में जाने के बजाय साल 1990 में पहुंच गया था, जिसके बाद उसे डॉक्टर्स के एक पैनल के पास लाया जाता है और उस पैनल में कैथरीन भी होती है जहाँ जेम्स उन लोगों से अपनी बात शेयर करना शुरू करता है कि किस तरह एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया के 500 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, इसलिए भविष्य के साइंटिस्ट ने उसे पास में भेजा है ताकि वो उन लोगों के बारे में पता कर सके जिन्होंने उस वायरस को फैलाया। दरअसल जेम्स का काम वायरस को फैलाने वाले इंसान को रोकना नहीं बल्कि सिर्फ उसका पता लगाने का था, क्योंकि यदि उसने पास में कोई भी बदलाव करने की कोशिश की तो पूरा भविष्य ही बर्बाद हो सकता है, इसलिए साइंटिस्ट बस ये चाहते थे कि जेम्स उस शख्स के बारे में पता करके वापिस आ जाए। वहीं शख्स का पता चलने पर भविष्य के साइंटिस्ट अपने किसी साथी को उस शख्स के साथ दोस्ती करवाएंगे ताकि उस खतरनाक वायरस के स्ट्रक्चर का पता किया जा सके और फिर जैसे उन्हें वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी तो वो भविष्य में आकर उसका इलाज बना लेंगे। अब यहाँ इतना तो साफ है कि साइंटिस्ट उन 500 करोड़ लोगों को बचाने के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि वो लोग उन थोड़े बहुत लोगों को बचाना चाहते है जो 2035 में अभी जिंदा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के चलते पास को बदला नहीं जा सकता, और यदि आपको प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने अपने चैनल पर प्रीडेस्टिनेशन मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, जिसे इस वीडियो के बाद जरूर देखें। अब हम वापस से इस मूवी में आते हैं जहां जेम्स की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर तभी उसे याद आता है कि भविष्य के लोगों को साल 1996 का एक वॉइसमेल मिला था, इसलिए वो वापस से उनसे संपर्क करने के लिए उसी नंबर पर कॉल करने की इजाज़त मांगता है, जिस पर कैथरीन उसे कॉल करने की इजाज़त दे देती है। पर क्योंकि वो 6 साल पहले के समय में पहुंच गया था इसलिए उसकी कॉल एक महिला के पास जाती है जिसे जेम्स की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब ये सब देखकर डॉक्टर्स को यकीन हो जाता है कि जेम्स की दिमागी हालत बहुत खराब है, इसलिए उसे मेंटल वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है जहाँ जेम्स की मुलाकात जेफरी नाम के एक आदमी से होती है जो दुनिया को पूरी तरह से बदल देना चाहता था। यहाँ वो जेम्स की मदद करता है ताकि वो हॉस्पिटल से भाग जाए, लेकिन हॉस्पिटल वाले जेम्स को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ अब उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का एक कर्मचारी वहाँ के डॉक्टर को बताता है कि जेम्स अपने कमरे से गायब हो चुका है, जबकि उस कमरे में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था जिसे एक मजबूत ताले से बंद किया गया था। अब ये देखकर डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेम्स की अब भी वैसी बंदी हुई थी। वहीं जेम्स के गायब होने की वजह ये थी कि उसे भविष्य के साइंटिस्ट ने वापस बुला लिया था, जहां जेम्स बताता है कि वो 6 साल पहले के समय में पहुंच गया था, इसलिए वो वायरस फैलाने वाले शख्स का पता नहीं लगा पाया।
अब इस पर साइंटिस्ट उसे कुछ लोगों की तस्वीर दिखाते हुए बताते कि हमें इन लोगों पर शक है कि शायद इनमें से ही किसी ने एक वायरस बनाया होगा। उन्हीं तस्वीरों में जेम्स को जेफरी की तस्वीर मिलती है, जिसे देखते ही वो पहचान लेता है और बताता है कि ये मुझसे मेंटल हॉस्पिटल में मिला था। तब जेम्स को एक बार फिर से पास में भेज दिया जाता है ताकि वो जेफरी पर नजर रखकर पता कर सके कि वायरस को उसी ने बनाया या किसी और शख्स ने। लेकिन टाइम मशीन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो वर्ल्ड वॉर 1 के समय में यानी कि साल 1920 में पहुंच जाता है, जहां वो खुद को युद्ध के बीच पाता है। तभी जेम्स को उसका एक साथी जोश दिखाई देता है, यानी कि उसे भी पास में भेजा गया था और वो काफी बुरी तरह से घायल था। अब इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, एक सोल्जर उसके पैर पर गोली चला देता है। लेकिन तभी टाइम मशीन की गड़बड़ी दुरुस्त होने पर वो साल 1996 में पहुंच जाता है, जहां वो कैथरीन को उसी के कार में अगवा करके फिलाडेल्फिया चलने को कहता है। अब यहाँ जेम्स अपना चेहरा छुपाया हुआ था और वो कैथरीन को धमकी देता है कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे गोली मार देगा, जिस पर कैथरीन कहती कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पर्स में रखे सारे पैसे ले लो, साथ ही साथ तुम मेरी कार भी ले जा सकते हो, जिस पर जेम्स बताता है कि उसे कार चलानी नहीं आती। अब बातों ही बातों में वो कैथरीन के सामने अपना चेहरा खोलकर रेडियो चलाने को कहता है, जहाँ हम रेडियो में एक छोटे बच्चे के गायब होने की खबर सुनते है, जिस पर अब जेम्स कैथरीन को उस बच्चे के बारे में कुछ बताता है। जो उसने क्या बताया हमें आगे पता चलेगा। वहीं इधर अगले सीन में हम उन दोनों को फिलाडेल्फिया में देखते हैं, जहां 12 मंकी का लाल निशान देखकर वो कैथरीन के साथ उन निशानों का पीछा करते हुए दो बदमाशों के पास पहुंच जाता है, जिसमें से एक बदमाश जेम्स को बंदूक की नोक पर ले लेता है, जबकि दूसरा कैथरीन का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जेम्स उन दोनों बदमाशों को जान से मारकर उन दोनों बदमाशों की बंदूक लेकर कैथरीन के साथ एनिमल एसोसिएशन वालों के ऑफिस पहुंच जाता है, जो अब उनसे बंदूक की नोक पर 12 मंकीज के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता। तब कैथरीन उनसे कहती है कि जेम्स का दिमागी संतुलन सही नहीं है, इसलिए वो आप लोगों से ऐसी बातें कर रहा है। वहीं जेम्स अब भी उनसे 12 मंकीज के बारे में पूछे जा रहा था, जिस पर अब वो लोग रिवील करते हैं कि जेफरी ही 12 मंकीज का लीडर है और उसके पिता बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट है, जिनकी लैब में बहुत सारे वायरसेस पर रिसर्च किया जाता है। वो लोग आगे रिवील करते हैं कि जेफरी अपने 11 साथियों के साथ कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है, जो सुनकर जेम्स समझ जाता है कि जेफरी और उसके 11 साथी यानी कि वो 12 लोग ही 12 मंकीज है, जो आगे जाकर वायरस को फैलाएंगे। इसलिए वो बिना देरी किए कैथरीन को अपने साथ लेकर जेफरी के घर की ओर निकल जाता है, जहां रास्ते में कैथरीन नोटिस करती कि जेम्स के पैर में काफी तकलीफ है, इसलिए अब एक डॉक्टर होने के नाते वो उसके पैर से गोली निकाल देती है और ये वही गोली थी जो उसे 1920 के विश्व युद्ध में लगी थी। फिर जेम्स कैथरीन को कार की डिग्गी में डालकर जेफरी के पास जाता है, जहां वो जेफरी को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूं, बल्कि मुझे उस वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, जिस पर अब जेफरी उससे कहता है कि मुझे इस वायरस और आर्मी और 12 मंकीज का आइडिया तुमने ही दिया है। दरअसल जेफरी को ये बातें तब पता चली जब वो जेम्स के साथ मेंटल हॉस्पिटल में था, जिसका मतलब ये है कि यदि जेम्स ने जेफरी के सामने उस वायरस की बात ना की होती तो आज वो इस वायरस को फैलाने के बारे में नहीं सोचता। अब इससे पहले कि जेम्स कुछ कर पाता, जेफरी के आदमी उसे पकड़ लेते, जिस पर अब वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। वो अब आकर सीधा कैथरीन के कार के पास आता है, जहां कैथरीन को डिग्गी से बाहर निकलते ही वो उस पर टूट पड़ती है। तभी उन्हें पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि कैथरीन के गायब होने की खबर हर जगह फैल गई थी, जिस कारण पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होते। तभी जेम्स जो कैथरीन से बातें कर रहा था वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि भविष्य के साइंटिस्ट ने उसे वापस से 2035 में टेलीपोर्ट कर दिया था। अब इस सब से कैथरीन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो एकदम से कहां गायब हो गया। लेकिन अब अगले दिन टीवी न्यूज में उसी बच्चे की खबर दिखाई जा रही थी, जिसके बारे में जेम्स ने पहले ही बता दिया था। दरअसल दो दिन पहले रेडियो वाली खबर सुनकर जेम्स ने बताया था कि वो बच्चा अगवा नहीं हुआ है, बल्कि वो अपने बांध में ही छिपा हुआ है, और बिल्कुल यही न्यूज टीवी पर भी दिखाई जा रही थी, जिससे कैथरीन को यकीन होने लगता है कि शायद जेम्स सच में 2035 से ही आया था। अब इतने में ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एक आदमी कैथरीन को फोन करके खबर करता है कि उसने जिस गोली की जांच करने को कहा था उसकी रिपोर्ट आ गई है, और ये गोली साल 1920 के विश्व युद्ध के समय की है, जिसे अब नहीं बनाया जाता। अब इस बात को सुनकर कैथरीन विश्व युद्ध की पुरानी तस्वीर को देखती है, जहां एक तस्वीर में उसे जेम्स नजर आता है, जिससे उसका पूरा विश्वास हो जाता है कि जेम्स सच में भविष्य से आया था, जिसका मतलब ये है कि बहुत जल्द वायरस की वजह से 500 करोड़ लोग मारे जाएंगे, पर वो
ऐसा होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जेफरी के वायरोलॉजिस्ट पिता को कॉल करके समझाती है कि वो जेफरी को उनकी लैब में ना जाने दे, जिसके जवाब में वो बताते है कि मेरी लैब का एक्सेस जेफरी के पास नहीं है, यानी कि वो चाहकर भी लैब में नहीं जा सकता। उधर भविष्य के साइंटिस्ट इस बात से बहुत खुश होते हैं कि जेम्स ने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया जो वायरस को फैलाने वाला है, इसलिए वो उसे उसकी आखिरी मिशन यानी कि वायरस की लोकेशन का पता लगाने के लिए आखिरी बार 1996 में भेजते है। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वो भविष्य से नहीं आया है, बल्कि वो खुद को सच में पागल मानने लगता है। वहीं कैथरीन उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे जेम्स को समझ आ जाता है कि वो भविष्य से ही आया है। लेकिन अब वो कैथरीन से अपनी दिल की बात बताते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ इसी समय में रहना चाहता हूँ, जिसके बाद अब कैथरीन उससे वॉइसमेल वाला नंबर मांगती है, क्योंकि ये 1996 का समय है और अब उस नंबर पर बात की जा सकती है। फिर जेम्स के द्वारा बताए गए नंबर से बात करके उसे ये पता चलता है कि वो किसी कारपेट क्लीनिंग वालों का नंबर है, जो बात वो जेम्स से बताते हुए कहती है कि मुझे जैसे ही पता चला कि वो नंबर कारपेट क्लीनिंग वालों का है तो मैंने उनसे मजाक में कह दिया कि वायरस को फैलाने के पीछे 12 मंकीज नाम के लोगों का हाथ है, जो सुनकर जेम्स हैरान रह जाता है, क्योंकि साल 2035 में उन्हें यही वॉइस मेल मिला था जिसमें महिला के अलावा बाकी लोगों की आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब ये कि उन्हें भविष्य में कैथरीन और कारपेट क्लीनिंग वालों की कॉल रिकॉर्डिंग मिली थी, यानी कि वायरस का खतरा अब भी मंडरा रहा है। दूसरी तरफ हम जेफरी को देखते हैं, जिसने अपने पिता को अगवा कर लिया होता है। उसके पिता उसे ऐसा पागलपन करने से मना करते हैं, पर उनकी एक नहीं सुनता। वहीं इधर जेम्स और कैथरीन, जिन्होंने अपनी वेशभूषा बदल दी थी, जब वो एक टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो टैक्सी चलाने वाली महिला ड्राइवर उन्हें बताती है कि सड़क पर बहुत जैम लगा है, क्योंकि जेफरी नाम के एक सनकी आदमी ने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को आजाद कर दिया है। दरअसल जेफरी का प्लान चिड़ियाघर के जानवर को आजाद करने का था, और उसने जेम्स से वायरस वाली जो भी बात की वो अपने पागलपन के चलते की, क्योंकि वो सच में एक पागल ही था जिसने जानवर को आजाद करके अपने पिता को चिड़ियाघर में कैद कर दिया था, यानी कि वो शख्स जो वायरस फैलाएगा वो कोई और ही है। जिसके बाद वो लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहाँ जेम्स को याद आने लगता है कि ये वही एयरपोर्ट है जहाँ उसने बचपन में एक आदमी को मरते देखा था। अब यहाँ हम डॉक्टर पीटर्स को देखते हैं, जो जेफरी के पिता के लैब में उनका असिस्टेंट होता है, और ये उन्हीं जगहों पर जा रहा था जहाँ से वायरस के फैलने की शुरुआत हुई थी, जिसका मतलब है कि डॉक्टर पीटर्स ही वो शख्स है जो वायरस को फैलाएगा। वहीं कैथरीन, जिसे जेम्स ने पहले ही बता दिया था कि वायरस कौन कौन से शहरों से फैलना शुरू होगा, वो उन जगहों के नाम सुनकर समझ जाती है कि पीटर के पास ही वायरस है। दूसरी तरफ जेम्स एयरपोर्ट के टेलीफोन से कारपेट क्लीनिंग वाले नंबर पर कॉल करके कहता है कि वायरस फैलाने के पीछे 12 मंकीज का हाथ नहीं है और अब मुझे वापस न बुलाया जाए, क्योंकि मैं इसी समय में रहूंगा। पर इतने में उसका दोस्त जोश वहां आकर बताता है कि भविष्य में हमें तुम्हारा संदेश मिला, जो ऐसा कहकर वो उसे एक बंदूक देते हुए कहता है कि यदि तुमने इस बंदूक को अपने पास नहीं रखा तो भविष्य से आए हुए बाकी लोग कैथरीन को जान से मार देंगे। तभी फिर कैथरीन वहां आकर जेम्स से पीटर्स के बारे में बताती है, जो बातें जोश भी सुन रहा होता है, जिसके बाद जेम्स पीटर को रोकने के इरादे से उसके पीछे बंदूक लेकर जाता है, जिस पर पुलिस वाले जेम्स के हाथ में बंदूक होने की वजह से उसे जान से मार देते हैं। और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि छोटे जेम्स ने अपने भविष्य वाले रूप को ही मरते देखा था, जिसके पास कैथरीन बैठकर रो रही होती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम डॉक्टर पीटर्स को फ्लाइट में देखते हैं, जहां उसके बगल वाली सीट पर भविष्य वाली साइंटिस्ट महिला होती है, जो बातों ही बातों में पीटर से दोस्ती कर लेती है, जिसका मतलब ये कि जोश ने साल 2035 में जाकर उन्हें पीटर्स के बारे में बता दिया होगा, और इसीलिए भविष्य से एक साइंटिस्ट को पीटर से दोस्ती करने के लिए भेजा गया, ताकि वो उनसे वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझकर भविष्य में वापस आकर उसका इलाज तैयार कर सके, क्योंकि भविष्य वाला वायरस म्यूटेट हो चुका था, जिसका इलाज तभी संभव था जब उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पता चल सके। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये प्रसिद्ध मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।